नमस्कार, अपना जमू देखना प्रारंभ कर चुके हैं आप। आज हम आपको चकाई में स्वास्थ्य विभाग के जानलेवा खेल के बारे में दिखाना चाह रहे हैं। जी हाँ, जब आप चकाई में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए बनाए गए टीकाकरण सेंटर पर पहुँचेंगे तो वहाँ का नज़ारा देखकर आप हतप्रभ हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसा महसूस होगा कि यहाँ कोरोना का टीका नहीं बल्कि कोरोना बांटा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का घोर उल्लंघन हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक दूरी नज़र नहीं आ रही है। जबकि आप स्वास्थ्य विभाग की साइट को देखिएगा तो वहाँ युवाओं के टीकाकरण के लिए अलग अलग समय का टाइम जोन निर्धारित है, मगर ये भीड़ उस टाइम जोन को धत्ता बताते हुए कोरोना बांटने के लिए जमा है। यहाँ तक कोविड 19 के इस दौर में कई युवा खुद से अपने दोस्तों का जांच कर रहे हैं बिना किसी सुरक्षा के। आइए जानते हैं वैसे युवाओं के बारे में। कहाँ के हैं भैया आप? कैसे आप अपने से जांच कर लिए? हाँ भैया, आप कैसे दे दिए जांच करने? इनको अपने छीन के ले लिया बिना ग्लव्स के, ऐसे ही पर्सनल यूज था। पॉजिटिव व्यक्ति को सुई कैसे दिया? नहीं दिया है। कौन दिया सुई? अब कोई दिया कि नहीं दिया तो वो का ठिकाने नहीं है, कहाँ गया नहीं गया। इससे संक्रमण नहीं फैलेगा? इससे संक्रमण नहीं फैलेगा? इस तरह का आखिर इस तरह का लापरवाही क्यों? इतना भीड़ लगा के, ना सोशल डिस्टेंस, ना सब तो लोग एक दूसरे से सटे। अब पॉजिटिव व्यक्ति यहाँ आके सुई लेके गया, इतना भीड़ है, इसे तो संक्रमण और बढ़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? आदमी के काम हो करे, इतना परेशानी है। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? आपका क्या नाम है? आपने देखा किस प्रकार स्वास्थ्य कर्मी जो वहाँ उपलब्ध हैं वो किसने टीका लगाया, और पॉजिटिव मरीज तक को टीका लगा दिया जाता है, किसने टीका लगाया इसकी जानकारी तक वो उपलब्ध नहीं कराते हैं। साथ ही मीडिया से सवाल पूछने पर वो मीडिया के ऊपर ही गर्म हो जाते हैं। अब ऐसे में चकाई वालों के स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ कितना दिन तक चलेगा इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग ही दे सकता है। फिलहाल आप देख रहे थे अपना जम्मू के लिए संवाददाता विकास लहरी की एक खास रिपोर्ट।